नागरिकता संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। कल देर रात राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये बिल अब कानून बन गया है। इसके जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इस कानून के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें उनके देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैर कानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में और सोमवार को लोकसभा में पारित किया गया था। हालांकि विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर विरोध जता रहा था, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद अब नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही अब ये बिल कानून बन चुका है। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से पारित बुधवार को हुआ। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था और गुरुवार देर रात राष्ट्रपति की तरफ से इसे मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून में बदल गया। तो राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। उससे पहले विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था। इस कानून के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रहने वाले अप्रवासियों के लिए अपने निवास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। तो भारत की नागरिकता के लिए पात्र होने की समय 31 दिसंबर 2014 होगी।